उसके पूरे जिस्म में ऐसे बाल है, मेरी बॉडी, ये है मेरा सीना, कहते हैं मुझे जॉन सीना। क्या बहुत प्यारी हो। वो कहता है आखलमा आखलमा उस्मान जान खे खा दिए खा। वैसे आप बताओ आपकी खूबसूरती का राज क्या है, ये माइक मुझे दो। अच्छा, लाइफ में कैसा पार्टनर चाहती है? जो एक शादी करे, चार चार बीवियों की वो ख्वाहिश ना रखता हो। आप जैसा प्यारा हो, नहीं आप प्यारी हो, आपको छोड़ के तो वैसे कहीं और नहीं जाए। यकीन करे जब उसकी शादी आपके साथ होगी ना, वो आपको देखता ही रहेगा। आप तो अभी ना इतना देखे। और ईगा सेंटर में पंजाबी भी पाए जाते हैं, तो एक पंजाबी भाई मौजूद है, वैसे इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नईम। नईम, नईम क्या करते हैं आप? जी कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं। पठानों के साथ मिलके? पठानों के साथ। कैसी कौम है? बहुत जबरदस्त, सच्चे भाई, ईमानदार, मुखलिस दोस्त। क्या अच्छे, क्या तारीफ हो रही है आप लोगों की। नहीं समेटते जाए ना, लपेटते नहीं। इनके साथ मुझे 15 साल हो गया, हम इकट्ठे बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आप शुरू में आए थे तो आपको पता था कि भाई मैंने पठानों को ज्वाइन करना है, तो वो कोई दिल में डर नहीं था कि इनको गुस्सा आ जाए तो भाई मार मूर देते हैं, है इनको गुस्सा आ जाए तो ये तो गालियां माँ बहन की देते हैं। अगर गुस्से में आ जाए, वैसे तो दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर गुस्से से डर नहीं लगता इनके? नहीं नहीं, गुस्सा भी इनका ठंडा है। ठंडा गुस्सा कैसा होता है? वो वाला गुस्सा कैसा होता है? सिर्फ वक्ती तौर पे गुस्सा होता है, बाद में हम जो है ना एक ही बन जाते हैं। अच्छा, अच्छा, कोई इशू नहीं है। वैसे आप बताओ आपकी खूबसूरती का राज क्या है, ये माइक मुझे दो। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? मेरी खूबसूरती का राज, जब मैं माइक पकड़ती हूँ ना और मैं प्यारे प्यारे से और पंजाबियों को, पठानों को देखती हूँ, तो लिटरली मेरे चेहरे पे एक स्माइल ऑल टाइम रहती है, तो वो स्माइल ही आई गेस मेरी खूबसूरती का राज। अच्छा, लाइफ में कैसा पार्टनर चाहती है? जो एक शादी करे, चार चार बीवियों की वो ख्वाहिश ना रखता हो और कंजूस ना हो। आप जैसा प्यारा हो, मेरे जैसा प्यारा हो, इससे ज्यादा ना हो, इससे ज्यादा ना क्योंकि फिर लड़कियां उसके पीछे आएंगी ना, क्या भरोसा वो भी चला जाए। जितनी आप प्यारी हो, आपको छोड़ के तो वैसे कहीं और नहीं जाए। हाय अल्लाह जी, इससे मेरी इतनी तारीफ हो रही है। आप यकीन करें जब उसकी शादी आपके साथ होगी ना, वो आपको देखता ही रहेगा। जैसे आप तो अभी ना इतना देखे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी शादी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त, कितनी शादी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 2 शादी है। आपने क्या पठान भाइयों से इंप्रेस होकर 2 शादियां की हैं या फिर कैसे? पहले मेरी लव मैरिज थी, दूसरी मेरी अरेंज मैरिज है। ये कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। ये तो है कि पाकिस्तान में कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन बात यह कि लोगों की पहले अरेंज मैरिज होती है, उसके बाद जो सेकंड मैरिज होती है वो मोस्टली लड़के जो है वो लव मैरिज करते हैं। आपकी पहले लव मैरिज हुई है, उसके बाद दूसरी शादी आपकी अरेंज मैरिज हुई है, कैसे? बस ये वो मेरी पसंद थी, मेरी कज़न थी, मेरी बहुत पसंद थी, लेकिन उसके साथ मेरी लाइफ गुजर नहीं सकी। उसके बाद फिर मैंने डिवोर्स हो गई, तो फिर उसके बाद मैंने अरेंज मैरिज किया। अच्छा, आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। तो आप जो लोगों को क्या मशवरा देंगे, लव मैरिज की तरफ जाएं या अरेंज मैरिज? मैं तो मशवरा यही दूंगा कि माँ बाप की मर्जी से जाओ, उसमें कामयाबी है। अगर इंसान लव मैरिज कर ले तो इसके नुकसान क्या है? उसके नुकसान ठोकरे खाएगा, जलालत लेगा जिंदगी में, ना सुकून रहेगा, ना चैन रहेगा, ना कुछ कर सकेगा। और अम्मा अब्बा को पास आप शिकायत भी नहीं ले जा सकते? बिल्कुल नहीं लेके जा सकते, तेरी मर्जी है। वो कहेंगे तू खे खा दिए खा, खा दिए हूँ तू ही खा। हाँ बिल्कुल सही हो गया। अच्छा आपने, और अपनी इस वाली बेगम की एक अच्छी आदत बताएं और एक थोड़ी सी बुरी आदत बताएं। अच्छी आदत ये है कि जब कोई चीज चाहिए तो वो बहुत प्यार से बात करती है। और बुरी आदत? बुरी आदत ये होगी जब गुस्सा चला होगा बच्चों पे गुस्सा निकाल देगी। बच्चों यार, वैसे ये हकीकत है, मैंने पाकिस्तानी माओ को ना सास का गुस्सा, मियाँ का गुस्सा, अपने बहन भाइयों का, अम्मा बा सबका गुस्सा जो है ना उनका कहीं नहीं निकलता, तो अपने बच्चों को दे दबर दबर लगाती हैं और उतार देती हैं। बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। बच्चे बेचारे इतने मासूम है, मार खाने के हकदार नहीं है, लेकिन उनको मार पड़ रही है। मार इसलिए पड़ती है, चले गुस्सा किस पे चलना नहीं है, बच्चों पे गुजार लें। बिल्कुल, बच्चे साइड पे ले जाएगा? बच्चे क्या साइड पे, बस शुक्र है अल्लाह का 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी, बहुत है शुक्र है अल्लाह का, ना इससे ज्यादा हो सकते ना इससे कम, शुक्र है। ऐसे ही है। अच्छा, जब आपने पठानों के साथ काम करना शुरू किया तो ये लोग तो पश्तो बोलते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी आती है। अच्छा, फेवरेट डायलॉग पश्तो का सुनाए। पश्तो का फेवरेट डायलॉग बहुत सारे हैं, संगे चल दे, खे जोरे तगरे, आखलमा आखलमा। हमारा एक दोस्त है, उसका एक बहुत अच्छी उसकी हमने छेड़ डाली हुई है, वो जब हम किसी ने कोई चीज़ लेनी हो ना तो हम कहते हैं आखले, वो कहता है आखलमा आखलमा।
क्या है आखलमा? आखलमा यानी कि दे दो आखलमा। आखले का मतलब क्या? ले लो। अच्छा वो कहते आखले ले लो, वो कहते आखलमा दे दो। आखलमा सस्ते में दे दो, चाहे सस्ते में दे दो। उसका बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह, जब उठाने हो ना कोई चीज वगैरह तो वो आवाज लगाता है, उस्मान जान आखलमा। तो अच्छा इनमें ताकत ज्यादा होती है या पंजाबी लोगों? नहीं, इनमें ताकत ज्यादा होती है क्योंकि ये पहाड़ी होते हैं, ये ठोस काम करते हैं। लेकिन ये तो लाहौर में ही है ना। लेकिन इनके अंदर जो समा चुका है ना खून के अंदर, वो हार्ड काम समा चुका हुआ है। हम लोग इतना हार्ड काम नहीं कर सकते जितना ये हार्ड काम कर सकते हैं। और इनको ठंड भी नहीं लगती, इनको ठंड वाकई नहीं लगती। वो देखो ना अभी जैकेट आपको देख के पहनी है इसने। हाँ ये बटन खोल के रखता है सारे। क्यों, ये क्या बात, इसकी खूबसूरती का कौन सीना? इसके पूरे जिस्म में ऐसे बाल है, मेरी बॉडी, ये है मेरा सीना, कहते हैं मुझे जॉन सीना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा जी, गपशप लगा के। कुछ और कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत प्यारी हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सब बहुत प्यारे। ओके, अल्लाह हाफिज़।